Hi guys, welcome to the new video tutorial. In this video, I'm going to discuss how we can declare the class and object through C++. So let's start with that. So पहले क्या करना है? सबसे पहले लिखना है. मैंने बताया था पहले लिखना है class keyword. Class keyword के बाद class का name. Class का name जैसे मैं यहाँ पे sum class का name use कर रहा हूँ. उसके बाद curly braces देना है. उसके बाद यहाँ पे data member को declare define करना है. तो data member को declare करने के लिए हम क्या use करेंगे? पहले सबसे पहले हम उसका जो है स्कोप स्पेसिफाई करेंगे कि पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट है. तो यहाँ पे अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ नहीं देते हो तो भी वो क्या होता है, प्राइवेट होता है. तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, लिख देता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आए आपको. प्राइवेट मैंने यहाँ पे स्कोप दे दिया है डेटा में प्राइवेट. तो यहाँ इंटीजर एक्स ले लेता हूँ, ठीक है. यहाँ पर x, y दो मैंने डेटा मेम्बर मैंने यहाँ इनिशलाइज मतलब डिक्लेयर कर दिया हूँ, ठीक है. इनिशलाइजेशन इज डिफरेंट थिंग. मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है x और y को, ठीक है. उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, अब फंक्शन मेम्बर फंक्शन को डिक्लेयर करूँगा. तो मेम्बर फंक्शन कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो आप पब्लिक यहाँ पे मैं मेम्बर फंक्शन क्या करता हूँ, मेम्बर फंक्शन यहाँ पे मैं पब्लिक ले लेता हूँ, ठीक है. तो उसका स्कोप जो है मैंने पब्लिक दे दिया है. तो फंक्शन का नाम मैं देता हूँ int. फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने उसे int दिया क्योंकि मैं मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न करना है, तो इसलिए रिटर्न टाइप उसका int दे दिया मैंने. उसके बाद फिर फंक्शन का नेम, जैसे मैं यहाँ पे ऐड यूज करता हूँ फंक्शन का नेम, ठीक है. आप कुछ भी फंक्शन का नेम दे सकते हो, ठीक है. उसके बाद फिर क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना, इनिशलाइज करना है वेरिएबल का वैल्यू को इनिशलाइज करना है. जो मैंने डेटा मेम्बर एक्स और वाई लिया, तो सबसे मेन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि वी कैन नॉट इनिशलाइज इनसाइड द क्लास, ठीक है. क्लास के मतलब अंदर यहाँ पे मैं जब डिक्लेयर करता हूँ मैं डेटा मेंबर को, वहाँ पे मैं इनिशलाइजेशन नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा मेंबर जो होता है, मैंने बताया था क्लास इज़ द लॉजिकल कॉन्सेप्ट, क्लास लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है. इसलिए हम उसको जो है वहाँ पे मेमोरी एलोकेट नहीं होती है व्हेन क्लास इज़ डिक्लेयर्ड. तो क्लास इज़ ओनली बी मेमोरी इज़ ओनली बी एलोकेटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, ठीक है. ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगी तभी मेमोरी एलोकेट होगी, और जब मेमोरी एलोकेट होगी तभी वैल्यू इनिशलाइज होगी, वो स्टोर होगी उस लोकेशन में, ठीक है. तो इसलिए जो है हम डेटा मेंबर को हम इनिशलाइज कब करते हैं और किसके थ्रू करते हैं, हम इनिशलाइज करते हैं मेंबर फंक्शन के थ्रू. उस क्लास के मेंबर फंक्शन के थ्रू हम उसको इनिशलाइज कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशलाइज कर सकते हैं. लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू तभी इनिशलाइज कर सकते हैं जब वो डेटा मेंबर्स जो है पब्लिक होगी, लेकिन यहाँ पे डेटा मेंबर्स क्या है, प्राइवेट. इसलिए हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशलाइज नहीं कर सकते. हम वी कैन ओनली बी इनिशलाइज थ्रू द मेंबर फंक्शन ऑफ द सेम क्लास, ओके. तो यहाँ पे मैं मेंबर फंक्शन के थ्रू उसको इनिशलाइज करूँगा. x = 10 यहाँ पे मैंने इनिशलाइज कर दिया, और y = यहाँ पे मैं 15 ले लेता हूँ, ठीक है. तो इस तरह से मैंने इनिशलाइज कर दिया है. और मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिससे सम मैं कैलकुलेट करूँगा, और s = क्या होगा, x + y. यहाँ पे मैंने सम कैलकुलेट कर दिया, मैं इसे रिटर्न कर दूँगा. तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा, ठीक है. रिटर्न मैंने कर दिया. अभी यहाँ पे क्लास एंड हो गया, तो यहाँ पे आप मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है. उसके बाद फिर क्या करूँगा, वाइड मेन int ले लेता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर, इसलिए बेसिकली यहाँ पे int पे ही इंटीजर टाइप ही लेते हैं सारे वैल्यूज, ठीक है. तो यहाँ पे int मैंने ले लिया है, और int main, ठीक है. उसके बाद हाँ, अब क्या करना है, मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. तो ऑब्जेक्ट मैंने बताया था कैसे क्रिएट होता है, जैसे सिंपली int a, जैसे आप यहाँ देख रहे हो int क्या है, एक डेटा टाइप है, और x इज़ अ वेरिएबल. तो पहले क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं. उसी तरह ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल है. तो ऑब्जेक्ट को वेरिएबल के लिए क्या लिखना होगा, पहले डेटा टाइप, जैसे int एक डेटा टाइप है, उसी तरह यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डेटा टाइप का नेम. तो मैंने बताया क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. तो यहाँ पे आप क्लास, पूरा क्लास सम भी लिख सकते हो, या फिर सिर्फ क्लास का नेम करके भी आप लिख सकते हो. तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्लास का नेम लिख रहा हूँ, सम, दैट इज़ ए डेटा टाइप. ये एक क्या है, डेटा टाइप है. अब उसके बाद क्या लिखते हैं, जैसे int एक डेटा टाइप है, उसी तरह मैंने यहाँ पे सम एक डेटा टाइप लिख लिया है. और x क्या है, x भी एक क्या है, वेरिएबल. उसी तरह मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ s, ठीक है. s एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है. तो अब यहाँ पे वेरिएबल आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है. ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, आप कुछ भी दे सकते हो ऑब्जेक्ट का. ऑब्जेक्ट एक सिंपल वेरिएबल है और कुछ नहीं,
ठीक है, और वेरिएबल का जानते हो आप कैसे डिक्लेयर कर किया जाता है, ठीक है, आई उसके क्या क्या रूल है वेरिएबल को डिक्लेरेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सेस करने के लिए, ठीक है, मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, हम कैसे यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेंबर फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट। तो मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का नेम डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे एक्सेस करने के लिए डॉट, इसको मेंबरशिप ऑपरेटर भी बोलते हैं तो डॉट लिखेंगे, फिर फंक्शन का नेम क्या है, ऐड, तो यहाँ पे मैं ऐड लिख दे रहा हूँ, फंक्शन का नेम सेमी कॉलन, ठीक है, इस तरह से। अब देखो क्या होगा, अब मैं यहाँ से कॉल तो कर रहा हूँ लेकिन यहाँ से जब वैल्यू रिटर्न होगा तो वो स्टोर होनी चाहिए किसी वेरिएबल में, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा, जैसे सिंपली आप फंक्शन में फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, जैसे फंक्शन में आप वैल्यू कुछ रिटर्न होती है तो वो किसी वेरिएबल में स्टोर होगी। यहाँ से आप देख सकते हो ये जो वैल्यू अब रिटर्न होगी वो क्या होगी, स्टोर होगी किस में, सी नाम के वेरिएबल में। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया हूँ, डिक्लेयर कर दिया हूँ, और उस वेरिएबल में क्या होगा, जो ये जो वैल्यू रिटर्न होगी ऐड फंक्शन के थ्रू, वो रिटर्न होके किस में स्टोर होगी, सी नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सी को प्रिंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा मैं, सी आउट, ठीक है, सी आउट और सम, एक मैसेज दे देता हूँ सम, और वैल्यू क्या होगी, सी का वैल्यू प्रिंट करना, तो इस तरह से मैं प्रिंट करवाऊँगा। आप देख सकते हो इसका आउटपुट, देख सकते हो यहाँ पे सम 25, 15 प्लस 10, 25 प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या करना है, सिंपली मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, पहले क्या करना है, क्लास एक कीवर्ड यूज करेंगे, फिर क्लास का नेम देंगे, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, आप जो भी देखना चाहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट ही होती है डेटा मेंबर इन क्लास, ठीक है। यहाँ पे INT मैंने डेटा मेंबर लिखा है, ये क्या है, डेटा मेंबर है, ये सारे क्या है, डेटा मेंबर, ठीक है, ये डेटा मेंबर है। यहाँ पे आप पब्लिक, अब देख और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जब डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन बोथ आर पब्लिक, बोथ आर प्राइवेट, सॉरी, व्हेन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन बोथ आर प्राइवेट, तब वो क्लास जो होती है यूजलेस हो सकती है, यूजलेस होती है, क्योंकि अगर वो दोनों चीज़ अगर प्राइवेट होगी, मतलब मेंबर फंक्शन एंड डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन बोथ आर प्राइवेट, तब हम उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे थ्रू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। व्हेन जब तुम आपका मतलब डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों अगर प्राइवेट होगा, तो अगर यहाँ पब्लिक की जगह अगर हम प्राइवेट यूज करेंगे, ठीक है, तो प्राइवेट अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, ये इसको फिर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए हम या तो फ्रेंड फंक्शन यूज करेंगे या फिर हम पॉइंटर यूज करेंगे, ठीक है, तब हम उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने पब्लिक यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा फ्रेंड फंक्शन से के थ्रू कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर पब्लिक एक्सेस, मेंबर फंक्शन का स्कोप दे दिया मैंने पब्लिक, उसके बाद मैंने फंक्शन को यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, उसमें x इक्वल टू 10 और x को y इक्वल टू 15 यहाँ पे इनिशियलाइज किया वैल्यू, फिर यहाँ पे सम कैलकुलेट किया और रिटर्न किया फंक्शन मेन को, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफाई, ये एक्सेस यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया मैंने, और इसके थ्रू मैंने इस फंक्शन मेंबर फंक्शन को मैंने कॉल किया, और उसकी वैल्यू जब रिटर्न होगी उस वैल्यू को मैंने यहाँ सी में स्टोर किया, और उसके बाद मैंने यहाँ प्रिंट किया, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब लेकिन एक सब और ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ हमेशा याद रखना है कि x इक्वल टू, यहाँ पे हम x इक्वल टू 10 इनिशलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, x इक्वल टू y इक्वल टू 10 ऐसे हम इनिशलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया क्लास जो होती है लॉजिकल कॉन्सेप्ट होती है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है तो उसका डेटा मेंबर जो है उसका मेमोरी एलोकेट नहीं होती है जब तक वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होती है तब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, और जब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होगी तब तक वैल्यू स्टोर हम नहीं कर सकते, इनिशियलाइज नहीं कर सकते। इसलिए हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे, थ्रू द मेंबर फंक्शन ऑफ द सेम क्लास, ठीक है। होप इट इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।